स्वागत है आपका अन्नपूर्णा किचन में। आज हम भरवा करेला की सब्जी बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि करेला सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, शुगर वाले पेशेंट्स के लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। इसके लिए देखिए, मैंने आधा किलो करेले लिए हैं, 15 हरी मिर्च, 3 बड़े प्याज हम लेंगे। हम करेलों में ऐसे सबसे पहले इनको छील लिया है धोकर मैंने। अब मैं इनमें सारे करेलों में पहले मैं कट लगा दूंगी और फिर इसको नमक फिल करके इसमें इसको 2 घंटे रेस्ट के लिए रखूंगी। ये देखिए, इस तरह इसको फाड़ के करेले को हम सारे करेलों में धीरे धीरे नमक भर देंगे। नमक भरने के बाद हम इनको 2 घंटे रेस्ट के लिए रखेंगे। अगर आप बीज पसंद नहीं करते तो आप रिमूव भी कर सकते हो। मैंने मोस्टली हार्ड बीज ही निकाले हैं, सॉफ्ट बीज बीच में ही रहने दिए हैं। ऐसे हर एक करेले में हमने नमक फिल करके रख देना है। सभी करेलों में नमक फिल हो चुका है। अब हम थोड़ा सा नमक इसके ऊपर छिड़क देंगे और इसे ढक कर 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2-2.5 घंटे हो चुके हैं। अब हम इन नमक लगे करेलों को अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लेंगे। प्याज मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, थोड़ी सी मिर्चें साबुत रहने दी हैं। इस प्याज को मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से मोटा मोटा ग्राइंड कर लूंगी। करेले मैंने धो के अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लिए हैं। मसाला भी मैंने देखो मोटा ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, 3 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, ये सौंफ का पाउडर है, मैंने क्रश करके मोटी रखी है सौंफ, 2-4 चम्मच अंदाजन सौंफ पाउडर, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही देखिए आमचूर पाउडर, कम से कम इसके भी अंदाजन हम 1-2 चम्मच इसमें डालेंगे। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल के हम सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अपने प्याज वाले मसाले को। अब इस मसाले को हम थोड़ा थोड़ा अपने करेलों में फिल कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। सारे ही करेले ऐसे ही हम फिल करेंगे। सारे करेलों में मैंने अच्छी तरह मसाला फिल कर लिया है। मैंने आयरन की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, इसमें कम से कम 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया। ये देखिए भाप निकल रही है, तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके करेलों को इसमें तेल में छोड़ देंगे। ये सारे करेले ऐसे ही हम गर्म तेल में छोड़ देंगे। सारे करेले मैंने कढ़ाई में डाल दिए, जो थोड़ा सा मसाला बचा था वो भी ऊपर से डाल दिया है। अब हम फ्लेम को बिल्कुल मीडियम लो करके, क्योंकि आयरन की कढ़ाई है, लग ना जाए करेले, इसलिए हम इसको मीडियम करके लो फ्लेम पे करके उसको ढकेंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम धीरे धीरे करेलों को टर्न करेंगे। ये देखिए थोड़े से भुजने शुरू हो गए हैं। ये सारे करेलों को हम धीरे धीरे टर्न कर देंगे, पलट देंगे इनको और जो हरी मिर्च हमने फालतू रखी हुई थी वो भी साथ में ही डाल देंगे। इसको एक बार टर्न करने के बाद हम इसको फिर से दोबारा धीमी आंच पर अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट के लिए फिर से ढक देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारे करेलों में कलर आना शुरू हो गया है, मैंने एक बार इसे पलट लिया है। अभी हम इसको मीडियम आंच से सिर्फ 10 मिनट और पकाएंगे कि ये कंप्लीट रेडी हो जाएंगे। मैं इसे अब ढक रही हूँ।
पांच सात मिनट हो चुके हैं, मैंने दोबारा इनको टर्न दिया सबको। ये देखिए करेले हमारे आसानी से कट रहे हैं, ये अच्छी तरह गल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि मैंने इसमें आमचूर पाउडर और अनारदाना पाउडर डाला, जिससे इसका कड़वापन थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक मतलब कम हो जाएगा। तैयार हैं हमारे करेले, अब हम सर्व करेंगे इन्हें। तैयार है गर्म गर्म टेस्टी मसाला करेला, इससे आप दो चार रोटियां फालतू ही खाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।